अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि जो दूसरे व्यक्ति के प्रति, ऐसे व्यक्ति के प्रति उंगली उठाता है जिसने हरियाणा की राजनीति के मायने बदलने का काम किया है, जो जन सुविधाएँ हैं वो जन सुविधाएँ आम जन तक पहुँचाने का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है, जिससे लोग वंचित रहते थे, जिसकी बात भी नहीं सुनी जाती थी, गरीब व्यक्ति की तो बात भी नहीं सुनी जाती थी, और उसको मालूम है कि उस नकारापन के कारण ही वो तिहाड़ जेल के अंदर है। उसको ये भी ध्यान में रहना चाहिए, सोचना चाहिए उसने, क्योंकि उनका जो शासन रहा है वो शासन भय का शासन रहा है, और उनके शासन के अंदर लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करते थे। आज मनोहर लाल जी ने हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों के लिए काम किया, आज हरियाणा के 2.5 करोड़ लोग ये बात अपने आप को महसूस करते हैं कि सरकार मेरी सरकार है, और उनको इसके ऊपर गर्व होता है, और उस कारण से, क्योंकि इनका जो कार्यकाल रहा है वो कार्यकाल क्षेत्रवाद या परिवारवाद के अंदर उलझा हुआ रहा है, और आज हरियाणा की जनता ने उसको नकार दिया, उसको समाप्त कर दिया। आज मनोहर लाल जी ने सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के काम कर रहे हैं, और जब इनका विश्वास जनता ने, ये खो चुके हैं जनता का विश्वास, तो इस प्रकार का, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, पहले तिहाड़ जेल में पड़े हैं, तिहाड़ जेल से बाहर आकर के क्या बोलेंगे, क्योंकि जनता का ये अगर दरबार लगाते थे तो जनता ने आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर दी कि इनकी जमानतें जब्त हो रही है, क्योंकि इनका जो शासन तंत्र रहा है वो लूटपाट का शासन तंत्र रहा है।